सो ओ माई गॉड 2 रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में एंड इट्स सरप्राइजिंगली गुड। एंड ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो आज ही के दिन आपको पता होगा कि दो मूवीज ओ माई गॉड 2 और गदर 2 दोनों ही रिलीज हुई हैं। और भाई मेरे वाले थिएटर के अंदर तो गदर 2 के लिए भारी भीड़ थी। सो मूवी की बात करें तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि भाई जो ओ माई गॉड 2 मूवी है वो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लेती है, यानी कि सेक्स एजुकेशन के टॉपिक पर बात करती है। एंड इनका मोटिव तो वाकई में बहुत सही था, मूवी के प्लॉट में वाकई दम है, लेकिन जब उस प्लॉट को सेट किया जाता है तो वहां की स्टोरी बहुत वीक फील होती है, आप उसे रिलेट नहीं कर पाते। एंड समहाउ आपको ये फील होता है कि भाई स्टोरी को जबरदस्ती सेटअप किया जा रहा है। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जब अपने कांति शरण भैया के बेटे के सारे कांड के बारे में पता चलता है तो आप उससे रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उस कैरेक्टर की मेंटालिटी काफी वीक दिखाई जाती है, जो कि ऑब्वियसली स्टोरी की डिमांड थी। अब कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो भाई जितनी बुरी तरीके से कांति शरण के वाइफ के कैरेक्टर को लिखा गया है, भाई कभी रो रही हो तो रोते ही जा रही है सीन के अंदर, और कभी हंस रही हो तो हंसती ही जा रही है। मतलब आई फेल्ट क्वाइट annoyed with that character. लेकिन वही कांति शरण की बेटी का कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्या मतलब सिंपिंग कर रहा हूं मैं? अब देखो इस मूवी के अंदर उसके खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव्स की बात करें तो अक्षय कुमार ने जिस तरह से भगवान शिव के मैसेंजर को पोर्ट्रे किया है वो बहुत अजीब लगा मुझे, खास करके स्पेशली जो गाने वाली सीक्वेंस आती है। एंड इसके अलावा मूवी कई जगह पे इलॉजिकल लगने लगती है, स्पेशली स्टार्टिंग के प्लॉट सेटअप के टाइम पे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी के बेटे का कैरेक्टर और उनकी बीवी का कैरेक्टर काफी अनोइंग लगा, मे बी उस तरह से उन्हें लिखा ही गया था और स्टोरी की डिमांड ही वैसी ही थी। एंड एट द एंड ओ माई गॉड 2 अपने प्रीक्वल से काफी सिमिलर लगती है, मतलब ऐसा फील होता है कि दोनों ही मूवीज को किसी फॉर्मूले के अंदर रख के बनाया गया है, कुछ चेक मार्क्स को टिक करके कि भाई ये इवेंट्स होने हैं दोनों मूवी के अंदर। एंड ऐसी कुछ सिमिलरिटीज हमें दोनों मूवी के अंदर देखने को मिलती है, आप मूवी देखोगे तो आपको बेटर आइडिया लग पाएगा। अब नेगेटिव्स के बाद बात करें पॉजिटिव्स की तो भाई साहब मूवी के गाने बहुत बढ़िया है, स्पेशली मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो बहुत अच्छी वाइब कैरी करता है। इवन भाई मैं थिएटर से निकलने के बाद भी गुनगुना रहा था वो गाना। सॉन्ग्स के अलावा एक्टिंग बहुत सही की है ऑलमोस्ट सब ने, स्पेशली यामी गौतम ने तो बहुत अच्छे तरीके से उनका कैरेक्टर प्ले किया। उनके कैरेक्टर को देख के ये फील होता है कि भाई ये एक वर्दी अपोनेंट है पंकज त्रिपाठी का और ये उन्हें इजिली केस जीतने देगी। क्या मतलब आजकल की बॉलीवुड मूवीज में यामी गौतम को सिर्फ केस में हारने के लिए कास्ट किया जाता है। लेकिन यामी गौतम के अलावा पंकज त्रिपाठी सर ने भी एज ऑलवेज बहुत बढ़िया काम किया है। इसके बाद मूवी का प्लॉट सेटअप जरूर थोड़ा सा वीक फील हो सकता है, पर उसके बाद की स्टोरी काफी एंगेजिंग है एंड बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अपने को इसकी स्टोरी से। ये मूवी एंड होते होते हमारे सोसाइटी पे भी सवाल उठाती है, सेक्स एजुकेशन जैसे टॉपिक को ना सिर्फ दिखाया बल्कि जस्टिफाई भी किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप खुद सोचते हो कि क्या अभी तक हम लोग जो फॉलो करते हैं वो सही है, क्या हमें बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा मूवी के अंदर का कोर्ट रूम ड्रामा जितना भी दिखाया गया है बहुत सही लगता है, देख के मजा आ जाती है। साथ ही साथ मूवी में कॉमेडी भी बहुत अच्छी खासी है और बहुत ज्यादा हंसाती भी है तुम्हें। हो सकता है तुम्हें एक दो जगह पे क्रिंज फील हो बट वो इजीली तुम इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मूवी की कॉमेडी कई जगह पर वाकई बहुत अच्छी है। भाई एक सीन के अंदर तो अक्षय कुमार गदर 2 मूवी का गाना गा रहा था, मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई बगल वाले थिएटर का साउंड यहाँ क्यों आ रहा है, और फिर बाद में पता चलता है कि अक्षय कुमार गदर 2 मूवी का गाना गा रहा है। पर्सनली मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा क्योंकि भाई आपसे जो मूवी क्लैश ले रही है लिटरली आपकी राइवल, आप उसके मजे ले रहे हो उसके गाने गा के, अच्छा लगा मुझे। अक्षय कुमार का कैरेक्टर भले ही शिव का मैसेंजर है पर वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते जिसकी वजह से किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो। एंड उनके कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं मिली है जो कि ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड से कटने के बाद हुआ होगा, और ये काफी अच्छा डिसीजन है सेंसर बोर्ड का और मूवी मेकर्स का कि उन्होंने बहुत सारे सीन्स काट दिए, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टर का जो विजन था जिस तरह से उन्होंने बोल्ड मूव दिखाया है तो हो सकता है इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि उन्होंने और भी बहुत कुछ दिखाया रहा हो मूवी के अंदर, पर अच्छा है कि वो कट गया क्योंकि भाई ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती अपने यहाँ की। एट द एंड ऑफ द डे मेरे अकॉर्डिंग आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ये मूवी एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करती है सेक्स एजुकेशन को लेके। अब अगर आप लोग इस मूवी को लेके थोड़ा बहुत डाउटफुल हो अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेके कि कहीं ये हमारे सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक सनातनी हूं, नहीं वो अनपढ़ अंधभक्त नहीं जो किसी पॉलिटिशियन के कहने पे बॉयकॉट वाली बकचोदी शुरू कर दे, पर एक एजुकेटेड सनातनी हूँ। तो मेरे किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं हुआ इस मूवी के दौरान, किसी गॉड को कुछ गलत तरीके से नहीं दिखाया गया, कोई ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं दिखे जिससे हमारे रिलीजियस बिलीव्स हर्ट हो, तो आप ये मूवी देख सकते हो। पर छोटी छोटी बातों से अगर आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं तो उड़ता तीर मत लेना, मेरा मतलब है कि मूवी देखने मत जाना। बाकी मूवी 18 प्लस है, सेक्स एजुकेशन पर है, तो आप डिसाइड करना कि आपको अपने बच्चों के साथ या अपने बड़ों के साथ ये मूवी देखनी है नहीं, क्योंकि मूवी तो भले 18 प्लस है पर उसका मैसेज 18 से कम वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए ही है। तो खैर यही था एक छोटा सा रिव्यू ओ माई गॉड 2 मूवी को लेके। आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।